भारतीय टीम को ओवल में वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में हार झेलनी पड़ी है। अब उसके बाद भारतीय टीम को एक और झटका लगा है। टीम के सभी खिलाड़ियों की पूरी 100% मैच फीस काट ली गई है। इसके अलावा शुभमन गिल को अंपायर के फैसले का सोशल मीडिया पर विरोध करना भारी पड़ा है। शुभमन गिल को इस कारण एक और नुकसान उठाना पड़ा है। भारतीय टीम के अलावा कंगारुओं पर भी ICC ने जुर्माना लगाया है। टीम इंडिया को जहां डबल नुकसान हुआ है, तो शुभमन गिल को मैच फीस के अलावा अपनी जेब से भी फाइन भरना पड़ेगा। दरअसल ICC द्वारा टीम इंडिया और ऑस्ट्रेलिया दोनों ही टीमों को स्लो ओवर रेट का दोषी पाया गया है। भारतीय टीम मैच के अंत में 5 ओवर पीछे रही, तो कंगारू टीम ने 4 ओवर पीछे रहते गेंदबाजी की। इसके लिए ICC संविधान के अनुच्छेद 2.2 के तहत दोनों टीमों को दोषी पाया गया। इस हिसाब से सभी खिलाड़ियों पर प्रत्येक ओवर के लिए 20% मैच फीस का जुर्माना लगाया गया, यानी भारतीय टीम के खिलाड़ियों की 100% मैच फीस कट गई है, तो ऑस्ट्रेलिया टीम के प्रत्येक खिलाड़ी पर 80% मैच फीस का जुर्माना लगेगा। एक तरफ जहां भारतीय टीम के सभी खिलाड़ियों की पूरी 100% मैच फीस कट गई, वहीं दूसरी तरफ शुभमन गिल को अंपायर के फैसले का विरोध भारी पड़ा है। उनको इस कारण नुकसान उठाना पड़ा। दरअसल गिल ने कैमरन ग्रीन द्वारा लिए गए कैच और थर्ड अंपायर द्वारा दिए गए विवादित आउट पर सोशल मीडिया पर अपनी प्रतिक्रिया जाहिर कर दी थी। उनको इसके लिए ICC ने अपने संविधान के अनुच्छेद 2.7 का दोषी पाया है। इसके तहत उनके ऊपर 15% मैच फीस का अतिरिक्त जुर्माना लगाया गया, यानी उनकी मैच फीस तो स्लोअर रेट में कटी गई, बाकी अब ये 15% उन्हें अपनी जेब से भरने पड़ेंगे, यानी गिल पर कुल 115% जुर्माना लगाया गया है।